नमस्कार, तो आप सबका स्वागत है इस स्पेशल शो में जिसका नाम है ड्रीम बिग विद आईबीटी। माय नेम इज प्रदीप और मेरे साथ है मिस्टर अभिमन्यु कुमार। एक अभिमन्यु थे महाभारत में जो एक चक्रव्यूह में फंस गए थे, और एक अभिमन्यु हमारे साथ है जिन्होंने सारे चक्रव्यूह को पार किया और इनको मिली है सरकारी नौकरी। कांग्रेचुलेशंस टू यू मिस्टर अभिमन्यु। थैंक यू सो मच सर। सो मिस्टर अभिमन्यु ने इसरो का एग्जाम क्लियर किया है जिसको बोलते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। सबसे बड़ी बात क्या है कि इसरो में एक ही वैकेंसी आई थी, दैट वाज फॉर द हिंदी टाइपिस्ट, और हजारों बच्चों ने उस पोस्ट के लिए अप्लाई किया। एंड आई फील सो प्राउड टू बी विद यू टुडे बिकॉज आपने सभी को मात दे के एक सरकारी नौकरी हासिल की है। सो अभिमन्यु, हाउ वाज द जर्नी? सर, बचपन से ही मेरे पेरेंट्स का सपना था कि हमारे घर में कोई सरकारी नौकरी हो। तब मैं 10वीं पास किया तो मुझे पता लगा था कि गवर्नमेंट जॉब भी आती है, तो एनडीए के बारे पता लगा, तो उसका क्राइटेरिया था कि प्लस टू के बाद ही एग्ज़ाम देते हैं। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट टाइम एनडीए का एग्ज़ाम दिया पर उसमें मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ठीक है, पर उसके आगे मुझे कोई गाइडेंस नहीं था। फिर मैं ग्रेजुएशन में अपना नाम लिखवाया। ठीक है, तो ग्रेजुएशन में एडमिशन होने के बाद जब ग्रेजुएशन पास किया तब मुझे गवर्नमेंट जॉब के बारे में कुछ खास पता नहीं था। मैं ट्राई कर रहा था बट कुछ हुआ नहीं। तो कहने का मतलब आपको इतनी अवेयरनेस नहीं थी और घर में कोई इतना गाइड करने वाला भी नहीं था। तो आपने जो भी किया है वो अपने दम पे किया है विद द सपोर्ट ऑफ द फैमिली। यस सर। और फिर आपने एग्जाम्स वगैरह देने स्टार्ट किए। जब मेरे सर एग्जाम देने स्टार्ट किए तो फिर मुझे आप पता लगा कि कहीं से आप प्रेपरेशन करो, तो आईबीटी के बारे में मुझे पता लगा। मेरे दोस्त मनदीप हैं, उन्होंने आईबीटी के बारे में बताया, तो आईबीटी एक एज अ मेंटर मेरा काम आया कि हर एक जगह पर जैसे स्टेप बाय स्टेप मुझे उनके गाइडलाइंस को फॉलो किया। ये आपका अभी न्यू पहला एग्जाम था कि इससे पहले भी आपने बहुत सारे एग्जाम्स दिए थे? मैंने इससे पहले भी एग्जाम दिए हुए थे सर। जो आपने बैंकिंग सेक्टर, एसएससी सेक्टर और बाकी डिफेंस सेक्टर के एग्जाम्स दिए थे पहले भी, एंड ये आपके लिए एक लकी चांस था। यस सर। और ये एक हीरो वाली बात होती है ना यार, हम हजारों बच्चों से कॉम्पिटिशन कर रहे हैं और उसमें एक ही वैकेंसी। दोस्तों सबसे बड़ी चीज क्या थी, इसरो में पोस्ट भी एक ही आई थी। एंड अभिमन्यु में खास बात है कि सबको पछाड़ते हुए अभिमन्यु ने फर्स्ट रैंक अचीव किया, चाहे वैकेंसी एक थी बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि यू आर द टॉपर। आपने ऑल इंडिया में टॉप किया है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। तो हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू सो मच सर। अभी ऐसा लग रहा है कि लाइफ सेट है, फैमिली बहुत खुश होगी? बिल्कुल सर, जब पता लगा रिजल्ट का तो उनका खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पेरेंट्स का ही सपना था कि गवर्नमेंट जॉब ही होना चाहिए। मेरे पापा बोलते थे कि बेचो तरकारी नहीं तो करो सरकारी नौकरी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी, बेचो तरकारी नहीं तो करो नौकरी सरकारी, ये तो बहुत अच्छी बात बोली पापा ने। तो आपने अपने फादर का, अपनी मदर का, अपनी फैमिली का एक सपना पूरा किया है। बिल्कुल सर, उनका ही था कि गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए, हमें तो है कि जॉब करेंगे। यानी पापा मम्मी का ही जो बेस्ट सपना था कि वो गवर्नमेंट जॉब हो, क्योंकि उनसे ही सब कुछ है। देखिए अभिमन्यु, आपने टॉप किया है, आप लाखों स्टूडेंट्स के आज मेंटर बन गए हो, तो आप की क्या सुजेशन है सभी स्टूडेंट के लिए? देखो हजारों लाखों करोड़ों स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो हर साल बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, इंश्योरेंस, डिफेंस या बाकी बहुत सारी सरकारी नौकरी के लिए अपना एप्लीकेशन देते हैं, बट उसमें कुछ हजारों बच्चे ही पास कर पाते हैं। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ क्या स्ट्रेटजी शेयर करेंगे कि किस तरीके से हमें एग्जाम के लिए अप्रोच करना चाहिए, और क्या आपका एग्जाम करने का, एग्जाम में बैठने का और एग्जाम की तैयारी करने का क्या तरीका होना चाहिए, थोड़ा उसके ऊपर आप थोड़ा शेयर करेंगे क्या? यस सर, मैं बताना चाहता हूँ अपने सभी दोस्तों को कि जब हम गवर्नमेंट एग्जाम के लिए हम आ जाते हैं मैदान में जी, तो एक भी जंग है। अच्छा। जब हमें जंग की जीत तभी होगा जब हम पूरी प्रिपरेशन करके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जैसे मैं कुश्ती का प्लेयर भी हूँ। अच्छा। तो मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि जब हम मैदान में जाते हैं तो हम जितना मजबूत रहेंगे अंदर से तभी हम अगले को हम टक्कर दे सकते हैं। ठीक है, ठीक नहीं है। तो फिर हम खुद हार कर आ जाएंगे वापस। तो ऐसे एग्जाम में हम जाते हैं तो जाते हैं, बार बार जाते हैं, बार बार फेल होकर आ जाते हैं। तो आपके कहने का मतलब जैसे दंगल मूवी में हम सब में देखा था कि हमें आखिरी दम तक लड़ना चाहिए। हाँ जी, तो ऐसी ही अप्रोच होनी चाहिए। अप्रोच होनी चाहिए बिल्कुल। हम कभी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए कि हम जब एक बार फेल हो गए, दो बार फेल हो गए, हरासमेंट आ जाती है। जैसे मैं 25 साल का उम्र हो गया हूँ। अच्छा। तो मैं घर में मैं सबसे बड़ा हूँ तो प्रेशर बड़े के ऊपर पड़ता है। तो मैं गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है तो लगता है क्या है, कुछ भी नहीं है, फ्यूचर ही नहीं है। पर हमें निराश नहीं होना चाहिए, हमें लगातार कोशिश करते रहना चाहिए और अच्छे तन मन लगन लगाकर मेहनत करना चाहिए।
जी अभी मैंने तो देखिए दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, एक तो वो जो कहीं ना कहीं से कोचिंग लेते हैं, एक तो वो जो सेल्फ प्रिपरेशन करते हैं। तो आपकी गाइडेंस क्या है कि सेल्फ प्रिपरेशन इज इनफ या हमें कहीं ना कहीं से कोचिंग भी लेनी चाहिए? सर मैंने सेल्फ प्रिपरेशन से 2017-18 में बहुत कोशिश किया। अच्छा। पर कहीं बात नहीं बना। अच्छा। जब फिर मैंने IBT में जब कोचिंग लिया तब मुझे पर्दा होता, जैसे आँख पर पर्दा होता कि हमें, तब वो पर्दा खुलता जब हम IBT में आया तो मेरा पर्दा खुला कि नहीं आगे दुनिया भी है। अच्छा। जैसे बोलते हैं ना कि मेढक कुएं में होता है तो वहीं तक नजर आता है, वहीं तक। अच्छा। इधर से डुबकी लगा तो उस किनारे चल गया, जब इधर से आया इधर, जब बारिश होता तो बाहर निकलता तो दुनिया देखता कि आगे क्या है। तो आप अपने दोस्तों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप एक कुएं में मत रहो, आप समुंदर में आओ। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारे मेंटर्स हैं, आप आओ, देखो पढ़ो, सीखो और एग्जाम क्रैक करो। बिल्कुल, क्योंकि हम कई होते हैं, 100 में से 1 होंगे जो कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है कि अपने आप भी करने वाले बहुत हैं। पर जैसे मैं मीडियोकर स्टूडेंट हूँ सर, मैं उतना कह नहीं सकता कि मैं टैलेंटेड बोल रहा हूँ। तो अपने आप को, मेरा टैलेंट तब निकलेगा जब हम कहीं से, जैसे मैंने IBT से कोचिंग लिया तो मुझे सर, जैसे जैसे मेरे रीजनिंग का क्लास आया तो रीजनिंग के सर आए, मनोज सर आए, प्रकुल सर आए, तो जैसे जैसे बैच लगता तो उनकी जो एक्सपीरियंस है, उन्होंने जो चीज़ देखा हुआ वो बताते हैं, वही चीज़ हम, उनकी जो एक्सपीरियंस है मुझे फ़ायदा होता है उनसे, हमें, हमसे जैसे स्टूडेंट को फ़ायदा होता है, क्योंकि उनके बगैर तो हमें कुछ पता ही नहीं। मैथ के सर जैसे बताया, मैथ के क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, हम देखते हैं कि पहली बार कैसे करना है, हम अपने ट्रिक्स लगाएंगे, क्योंकि ट्रिक्स हमें पता ही नहीं। जो एक्चुअल में जो प्रैक्टिस कर रहा है बंदा, उसके ऊपर एग्जामिन करके बैठा वहाँ पर पढ़ा रहा, तो वो बहुत ज़्यादा मदद करता है। जैसे सर के ट्रिक्स हो गए, उनके टिप्स हो गए कि कैसे करना है, वो 10 सेकंड में सॉल्व कर देते हैं, और उसी को मैं भी सॉल्व कर दूंगा, पर 2 दिन में करूंगा, तो एग्जाम तो 2 दिन का थोड़ा होता है। ठीक। तो अभिमन्यु जी का कहना ऐसा है कि अपना एक मेंटर चुनो, उस मेंटर के अकॉर्डिंग चलो, और ज़्यादा चीज़ों में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा चैनल्स में, बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल्स हैं, ज़्यादा चैनल्स पे जाने की जरूरत नहीं है। एक मेंटर चुनो और अपना मिशन एक रखो कि मेरे को ये चीज़ लेनी है, चाहे उसमें कितना भी टाइम लगे, 1 साल 2 साल, जैसे 3 साल, तो 3-4 साल तो अभिमन्यु को लगे, 2017 से ये लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इट टेक्स टाइम। बट मेरी भी एज अ डायरेक्टर ऑफ IBT आप सबको एक ही सजेशन है, डोंट गिव अप। आप जब तक कोशिश करते रहेंगे तब तक आपके चांसेस हैं कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। आप उन स्टूडेंट से बहुत बेटर हो जो फर्स्ट टाइम एग्जाम में बैठे हैं। लेट सपोज हम कंपैरिजन भी करते हैं, आप एक एग्जाम में 3 बार बैठ चुके हो, तो आपको पता है कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कौन से अटेम्प्ट नहीं करने, कौन से सेक्शन के ऊपर कितना टाइम देना है। तो ट्राई टू लुक एट योर वीकर एरियाज। हाँ, अगर मेरा मैथ्स वीक है तो मैं इसके ऊपर ज्यादा मेहनत करूंगा। बिल्कुल सर। और वैसे कोचिंग करने के बाद घर पे कितना टाइम करते थे आप? सर कोचिंग के बाद तो जितना सर काम देते थे उसको ही कंप्लीट करता था, क्योंकि मैं जो भी कर अपना काम भी करता था। अच्छा। तो उतना टाइम नहीं लगता था, जो मैं IBT से पढ़ कर जाता था ठीक है वही मैं पढ़ पाता था, क्योंकि घर का भी काम जरूरी है। तो मतलब तो घर पे जाके कम से कम 3 से 4 घंटे की सेल्फ स्टडी तो करनी पड़ी होगी ना आपको एग्जाम निकालने। हाँ, 2 घंटे तो 3 घंटे तो करने पड़े। गुड। सो अभी मैंने ज्वाइनिंग कब से है? सर वो आने वाली है, अभी डॉक्यूमेंटेशन खत्म हो रही है। अच्छा। उसके बाद ज्वाइनिंग आएगी सर। तो कहाँ पे आपको पोस्टिंग दी जा रही है? सर त्रिवेंद्रम। अरे सर नाइस लोकेशन, त्रिवेंद्रम बहुत बढ़िया। और क्या सैलरी पैकेज आपको इनिशियली मिलेगा? सर इनिशियली उन्होंने लिखा हुआ था उन पर लेवल 4 25,500 बेसिक। बहुत है। विद DA, मतलब DA सब कुछ डाल के 30+ हो जाएगा। यस सर। लाइफ सेट है। यस सर। हाँ जी। आगे का प्लान क्या है? आगे का प्लान सर है कि मेरे, जैसे मैं स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था कि मैं बड़ा हूँ घर में, ठीक है, तो मेरे बहन है, भाई है, उनको उनकी स्टडी कंटिन्यू रहे और अच्छी स्टडी, मेरे से ज़्यादा स्टडी करें, क्योंकि पेरेंट्स का सपना होता है कि मेरे से अच्छा करें। बड़ा भाई भी एक पेरेंट्स के समान ही होता है, तो मेरा ये सपना है कि मेरे भाई बहन भी मेरे से ऊपर जाएं और उनकी अच्छी लाइफ हो, मेरे से बेहतर लाइफ हो उनकी। तो कहने का मतलब ये है कि अब घर में सरकारी नौकरी का कीड़ा आ गया है। जी सर। हम सबको सरकारी नौकरी चाहिए, ये एक आपने विजन सेट कर लिया है। बिल्कुल सर। हमारे मम्मी पापा, मैंने बताया था मम्मी पापा के एक सपना कि घर में सरकारी जॉब से ये सब कुछ बेहतर होता, तो सरकारी जॉब भी अच्छा है। बाकी मम्मी पापा बिजनेस के लिए है, वो जो पैसे होंगे तो मम्मी पापा बिजनेस कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया। सो जाते जाते हमारे सभी दोस्तों के लिए, जो लाखों बच्चे हर साल प्रिपरेशन करते हैं, या इस चैनल से जुड़े हुए हैं, IBT से जुड़े हुए हैं, या IBT को फॉलो करते हैं, आप उनके लिए जाते हुए मैसेज देना चाहोगे? मैं सभी एस्पिरेंट से यही बोलना चाहता हूँ कि जब आप मैदान में आ गए हो तो डट कर लड़ो, और तब तक लड़ो जब तक आपको सरकारी नौकरी ना मिल जाए। धन्यवाद। थैंक यू अभिमन्यु, थैंक यू सो वेरी मच।